तो आप देख सकते हो कि जो चटनी के आइस क्यूब है हमारे कितने बढ़िया से बन गए हैं। इसे हम इस तरह के एक जिपलॉक बैग में भरकर फ्रीजर में रख देंगे और जब भी यूज करना है इसे निकाल कर बस दही में मिक्स करेंगे और यूज करेंगे। अगर आपको ऐसे ही यूज करना है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है एक गड्डी हरा धनिया, एक गड्डी पुदीना, 6 से 7 मैंने हरा मिर्च यानी हरी मिर्च ली है और साथ में मैंने लिया है लहसुन की कुछ कलियां, 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, 1/2 चम्मच मैंने काला नमक लिया है और सॉल्ट टू टेस्ट यानी नमक आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे और 2 लेमन लिया है मैंने यानी 2 नींबू लिया है। इन सारी चीजों को हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। मैंने लिया है एक मिक्सर जार, ऐड कर देंगे इसमें हरा धनिया, आप एक साथ में भी पीस सकते हो और थोड़ा थोड़ा करके भी पीस सकते हैं। मिक्सर जार छोटा है इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पीसेंगे। इसमें डाल दिया मैंने लहसुन, ये है भुना जीरा, ये है काला नमक और ये है सॉल्ट। चटनी हमारी बनके रेडी है। इसमें हम ऐड कर लेंगे लेमन जूस, इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी चटनी का रंग कितना ग्रीन हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इस तरह से जरूर बनाइएगा। ओके, आप देख सकते हैं कि जो चटनी है हमारी एकदम परफेक्टली बन गई है। इसे हम प्रिजर्व कर लेंगे। प्रिजर्व करने के लिए हमने एक आइस क्यूब ले लिया है, इसमें हम ऐसे भर लेंगे। तो हमने चटनी को आइस क्यूब में ऐड कर लिया है, अब इसे हम फ्रीज कर लेंगे और आइस क्यूब बना लेंगे और आइस क्यूब को निकाल कर जिपलॉक बैग में रख लेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो चटनी के आइस क्यूब है हमारे कितने बढ़िया से बन गए हैं। इसे हम इस तरह के एक जिपलॉक बैग में भरकर फ्रीजर में रख देंगे और जब भी यूज करना है इसे निकाल कर बस दही में मिक्स करेंगे और यूज करेंगे। अगर आपको ऐसे ही यूज करना है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। सो इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।